हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव यामिनी। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू दिस मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है, समर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक जो कि अपकमिंग वेडिंग्स के लिए या वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी आप ऐसे बोल सकते हो। तो यस गाइज, ये वाटरप्रूफ स्वेट प्रूफ मेकअप लुक है। सो देख लेते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब्स का हनी टोनर। अच्छे से अपने पूरे फेस पे इसको स्प्रे कर लिया है एंड नेचुरली ड्राई होने दूंगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस किस ब्यूटी का लिप बाम जो कि मैजिक लिप बाम है, पिंक लिप्स को पिंक कर देता है। यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी जेल जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राइमर एंड मॉइस्चराइजर का काम करता है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मालियो का ऑयल फ्री जेल प्राइमर। ये आप यूज़ करें समर्स के लिए। रीज़न ये है कि ये 24 आवर्स आपके मेकअप का लॉन्ग लास्टिंग करता है। आई नो 24 आवर्स तो नहीं रखेगा बट फिर भी आपके मेकअप को सॉफ्ट डूई दिखाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फाउंडेशन के लिए ओलिविया का पेन स्टिक। आई एम इन दी शेड 05 टच एंड ग्लो। सो ऑल ओवर फेस पे इस तरीके से टैप टैप करके इसको अप्लाई कर लिया है एंड ब्लेंड कर लिया है। ब्यूटी ब्लेंडर के लिए मैंने यहाँ पे शीन का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है। आई नो शीन बैंड हो चुका है बट यहाँ पे आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास है। एंड आई डोंट नो समर्स में या इतने टाइम से मेरे ब्यूटी ब्लेंडर वॉश करने के बाद ख़राब क्यों हो रहे हैं, आई डोंट नो। प्लीज़ सजेस्ट मी कोई अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि मैंने सारे ही ट्राई कर लिए हैं एंड मेरे को उतने अच्छे नहीं लगे। नेक्स्ट सेम फाउंडेशन स्टिक कंसीलर स्टिक को मैंने ऑल ओवर फेस पे एज अ कंसीलर भी अप्लाई कर लिया। बेसिकली ओलिविया का पेन स्टिक जो है वो एक कंसीलर है लेकिन आप इसे कंसीलर एंड फाउंडेशन दोनों के तरीके से यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ज़्यादा बटरी है एंड ईजी टू ब्लेंड है। इसका कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करता है। सो एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी, आई थिंक 140 to 150 रुपीज़ का इजिली आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल है एंड इसका यही वाला शेड बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मैक का ये कॉम्पैक्ट एंड इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये मेरे फेस को सेट कर दे एंड मेकअप मेल्ट हो करके रिमूव ना हो, ज़्यादा स्वेटिंग ना हो, इसलिए इसको मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी में अप्लाई किया है एंड इसको थोड़ी देर बाद हम रिमूव कर लेंगे, लाइक बेकिंग प्रोसेस मैंने की है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस असस ब्यूटी का ब्राउ किट। आई एम इन दी शेड 02 एंड डार्क ब्राउन से लेकर आईब्रोज को फिल इन कर लिया है मैंने एंगल ब्रश की हेल्प से। नेचुरली फिल इन किया है, ज़्यादा हैवी नहीं एंड पाउडर प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मेकअप काफ़ी ज़्यादा स्टे करेगा। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी का न्यूट्स आई शेडो पैलेट एंड इससे ये एक पिंकिश शेड लिया है मैंने और इसको एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी पूरी क्रीज एरिया पे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग ब्रश के लिए मैंने यहाँ पे कर्व्स एंड लैशेस के ब्रशेस यूज़ किए हैं एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यस गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे पास स्टार्टिंग में रिव्यू किया था मैंने, तब मेरे पास मैसेज आया था कि आप ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हो बट कफ्स एंड लैशेज ने मुझे फ्री में प्रोडक्ट्स नहीं भेजे हैं तो मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रही। मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप ब्रशेज ट्राई करना चाह रहे हैं अफोर्डेबल रेंज में, यू कैन गो विथ कफ्स एंड लैशेज। एंड अच्छे से यहाँ पे एक रेडिश शेड मैंने ब्लेंड कर लिया है एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक पर्पलिश शेड लिया है। मैं चाहती थी कि मेरी आउटर वी में थोड़ा सा डार्क कलर हो बट ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए मैंने यहाँ पे शिमर्स ऐड कर लिए जिसकी वजह से आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था। एंड ये एक प्रॉपर पार्टी मेकअप लुक है सो आप इसे क्रिएट कर सकते हो एंड कोशिश करो कि यहाँ पे आउटर वी में आप थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे तो और ज़्यादा आपका आई मेकअप प्यारा लगेगा। यह आई मेकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आप इसे साड़ी या लहंगा वगैरह पे वेयर करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑरेंजिश शिमरी शेड लिया है फैट ब्लश की हेल्प से। मैंने इसको अपनी इनर वी से मिडिल एरिया तक अप्लाई कर लिया है। जो मैंने क्रीज शेड लिया था सेम शेड को मैंने अपनी वाटर लाइन पे स्मोक आउट कर लिया एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का लिक्विड लाइनर एंड सिंपल सा लाइनर मैं ड्रॉ कर लूँगी। ज़्यादा इसमें मैंने कुछ विंग वगैरह नहीं अप्लाई किया है, थोड़ा सा बोल्ड किया है क्योंकि इस तरीके के लुक्स के संग इस तरीके आई मेकअप के साथ आपका बोल्ड लाइनर जो है आउटर वी से वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है तो आप उस तरीके की लाइनर ट्राई कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट अगेन आई एम यूजिंग दिस फेसेस कैनेडा का मस्कारा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा मस्कारा है। हल्का सा मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लैशेस को क्लम्प कर देता है, आप इसमें काफ़ी ज़्यादा चिपका देता है बट ओके ओके मस्कारा है एंड काफ़ी अच्छी रेंज में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट अगेन आई एम यूजिंग दिस फेसेस कैनेडा का फेस पैलेट एंड अपने फेस पे ब्लशिंग सेम पैलेट से कर लूँगी एंड कंटूरिंग भी मैं सेम पैलेट से कर लूँगी एंड हाईलाइटिंग भी मैं सेम पैलेट से कर लूँगी। तो काफ़ी अच्छा पैलेट है, मुझे इसका हाईलाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। रीज़न कि ये बहुत ज़्यादा चंकी नहीं है एंड चंकी हाईलाइटर्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो अगर आप इसका हाईलाइटर ट्राई करना चाह रहे हो एंड कंटूर यूज़ करना चाह रहे हो ट्राई कर सकते हो। ब्लश भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, जोकर वाला फेस नहीं बनाता।
मेकअप सेटिंग स्प्रे के लिए किस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। लिपस्टिक लिए आई एम यूजिंग दिस पर्पल की ये मिनी लिपस्टिक जो कि आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, बट ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट शेड है। आई थिंक ये फर्स्ट डेट करके कुछ नाम है इस लिपस्टिक का। बहुत ही प्यारा ब्राउन टोन रेड लिपस्टिक है, और इसके ऊपर मैंने एक हाफ एन हाफ का 41 शेड अप्लाई कर लिया था, वो थोड़ा सा ऑरेंजिस टोन है एंड ज्वेलरी मीशो की है। तो यस गाइज, वीडियो पसंद आएगी, लुक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ब्लेस्ड, बाय।